जनपद गोंडा के मोहनौन मंडल के बूथ संख्या 309 पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पीयूष मिश्रा ने सदस्यता का फॉर्म भरवाया और पौधरोपण भी करवाया गया, जहां उपस्थित कार्यकर्ता मेहनौन विधानसभा प्रमुख डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष आत्माराम वर्मा, मंडल प्रभारी राकेश चतुर्वेदी, राकेश कुमार सिंह, रमेश सिंह, मंडल महामंत्री ब्रजेश मिश्रा व सभी सेक्टर संयोजक और बूथ अध्यक्ष आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मेहनौन के संयोजक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी जी अध्यक्षता कर रहे, आदरणीय आत्माराम वर्मा जी हमारे इस मंडल के। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्राम सभा कौड़िया, थाना अतरौली, ब्लॉक भरावन, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, जहां पर गरीब ब्राह्मण के पास कोई सोर्स सिफारिश पावर ना होने के कारण उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जी हां, पूतू मिश्रा का लड़का जो कि 2 साल 4 महीने का, उनके घर के पास से 15 जुलाई 2019 को गायब हो गया था। लड़के का नाम राजकुमार उर्फ कल्लू बताया जा रहा है। अतरौली थाने पर तहरीर भी दी गई, जहां पर शंका जताई जा रही है कि रामचंद्र सनाप गंगा लोहार कौड़िया गाँव के ही निवासी है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, मगर वह आज तक पुलिस को चकमा ही देता रहा है। 2-3 जगह पर गड्ढे खुदवाए, बताया कि यहीं पर लड़के को मार गाड़ दिया है, मगर आज तक राजकुमार और कल्लू मिश्रा का ना तो शव मिला और ना ही उसका कोई अता पता मिला। वहीं लापता राजकुमार के माता पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ा जा रहा है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पर कुछ ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि अगर किसी बड़े नेता या पावरफुल आदमी का बेटा लापता हुआ होता तो 24 घंटे में ही मिल जाता, जैसे जादूगर ओम प्रकाश का कुत्ता शासनपुरे ने 24 घंटे में ढूंढ लिया। किसी नेता की भैंस 24 घंटे के अंदर मिली, मगर किसी गरीब के बच्चे की कोई खबर नहीं मिली। आपका बच्चा कहाँ से गायब हुआ है? वहाँ से गायब हुआ। अच्छा, जो पकड़ा गया है इसके अलावा दूसरे पे किसी पे शक है? पे शक है? कोई को पर नहीं शक है। बच्चा वहीं से गायब हुआ? वहाँ से गायब हुआ। बेटी हमारी देखी थी, वहीं बता रही थी, हमने नहीं देखा। अच्छा, बच्ची देखी थी? हाँ, बच्ची हमारी देखी। तीनों बच्चे खेल रही थी, दोनों बच्चे हमारे लौट के आए गए, बेटा हमारा नहीं लौट के आया। कितने साल का बच्चा था आपका? 2.5 साल का, बोल नहीं पाता था। बोल नहीं पाता था। वही कौड़िया गांव से ही गायब हुआ? हाँ भैया। आप कौन हैं बच्चे की? हम बच्चा के रहे, हम दादी हैं। दादी हो? बच्चा जब गायब हुआ उस समय आप कहाँ थे? हम हती नहीं भैया, हम बाहर थे। अच्छा, बाहर थे? हाँ बाहर, हम बाहर थे। अब कल भैया गरीब आए तो ये कहाँ बचरी, अब कमाई दिखाई दे भैया, आदमी ना आए अपनी कमाई दिखाई दे के बेटा हमारे। जो बच्चा है गायब, उसका नाम क्या है? राजकुमार कल्लू, कल्लू सब कल्लू नाम है, राजकुमार कल्लू। हाँ, इनका तबीयत खराब हो गई परदेश में, तब हम सब यहाँ रह लगे आए के गांव में। कहा कमरे किराया कहाँ दे, लड़के बच्चे कहाँ से पाला भी? देखभाल करी वो लड़की। कहाँ है तुम्हारी कल्पना? इधर करो। बरुआ तीर खेल रहा था और बरुआ के पास से गायब हो गया। अच्छा, अंगुली निकाल से, मुझसे अंगुली निकाल के बताओ कहाँ खेल रहा था बच्चा तुम्हारा? बरुआ के पास। वहाँ पर कोई पकड़ा है कल्लू को? यहाँ देखिए, बताओ को पकड़ा रहा? अच्छा, और किसी ने पकड़ा था कल्लू को? ना। बिस्किट किसी ने खिलाया था? मिठाई किसी ने दिया था? हाँ, किसी ने कुछ खिलाया नहीं था कल्लू को? कल्लू गायब हो गए। पूतू कौन कास्ट हो? पंडित। कहाँ रहते हो? कौड़िया में। कौड़िया में कितने वर्ष का लड़का आपका गायब हुआ है? 2.5 साल का। 2.5 साल का कैसे गायब हुआ? अब ये भैया घर से निकला खेलने के लिए जी, और वहीं से लापता है। वहीं से लापता? हाँ। अभी आप लोग कहाँ गए थे ढूंढने के लिए? कहाँ ढूंढे? इधर बाग गए, गन्ना सारा जितना गन्ना था वहाँ गए। हाँ। जितनी बाग थी सब वहाँ गए। अच्छा,
नहीं पता चला? नहीं भैया पता चला। अच्छा किसी पे आपको शक? बाघ ताल सब कुछ। हाँ भैया जैसे अब देखा नहीं तो किसका बताया शक, जैसे अब देखा नहीं हमने। रिपोर्ट तो दरौली में की है अपने थाने में? नहीं रिपोर्ट तो हमने रिपोर्ट लिखी गई, वो पकड़ा भी गया मुलजिम? हाँ मुलजिम पकड़ा गया। पकड़ा गया हाँ। उसको कुछ नॉलेज है बच्चे के विषय में, उससे पूछताछ की गई क्या? उससे कोई पूछताछ हुई यहाँ पे? हाँ पूछ हुई थी भैया कि मतलब पकड़ के ले गए तो पूछते थे उसके बच्चा है कि नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तो बताई भी ना रहा तो क्या बता। पुलिस आई थी यहाँ किसी, हमने सुना है कि कहीं कहीं पे जमीन खुदवाई गई, घर में चेक किया हाँ। गया किस घर में चेक किया गया है, वहाँ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। किसके किसके घर में चेक किया गया है? रामचंद्र बाबू तेली और जाम लोहार। तो वहाँ पे मिला नहीं? वहाँ पे नहीं मिला। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस जब नहीं मिला तो फिर वापस चले गए। अच्छा प्रधान एक दिन आने के बाद में उस मुलजिम को छुड़ाया क्यों? प्रधान ने क्यों छुड़ाया? दिमाग नहीं काम कर रहा आपका अभी? हाँ भैया सही कह रहे हैं। क्या नाम है? शिवशंकर मिश्रा। शिवशंकर मिश्रा कहाँ रहते हो? ग्राम कोड़िया। जो बच्चा बहा है इसके आप कौन हैं? हम इसके बाबा हैं। बाबा हो? बाबा हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो ये पकड़ा गया है मुलजिम, इसको आप किस बात से जानते हैं, कैसे क्या? इसको हम इस बात से जानते हैं कि मतलब सारी जनता हमारे दरवाजे पे आई और ये लेटा था, बच्चा गायब हुआ, तो मतलब इससे हमने पूछा तो घुरा के बोला, और फिर इससे जब हम पूछते रहे तो ये कुछ बोला नहीं। इसका क्या नाम है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई? रामचंद्र। इनके पिता का क्या नाम है? गंगा। कौन कास्ट है? लोहार। आपके ही गाँव में रहते हैं? जी। और इन्हीं के पड़ोस से लड़का गायब हुआ, ये लेटा था। अच्छा इसको छुड़ाया क्यों प्रधान ने? ये हमको नहीं वाकिफ, पकड़ाया हमने, छुड़ाया तो हमको मालूम नहीं, पकड़ाया तो हमने। अच्छा प्रधान ने छुड़ा दिया? हाँ प्रधान ने अपना मतलब, हम ये नहीं कहते प्रधान ने छुड़ाया। एक बात देखिए, जब ये छोड़ा गया तब हम वहाँ पर नहीं थे, हम पकड़ा दिया तो हम अपने दुकान चले आए, जब वहाँ छूट छाट गया तब हमने कहा कि छोड़ा क्यों गया बस, और हमें नहीं पकड़ा। अच्छा यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछो जरा। आपका नाम क्या है दादा? कमलेश। कमलेश जी आप इस समय कहाँ गए थे? जंगल ढूंढ रहे हैं। अच्छा आपका मकान कितनी दूरी पे है? हमारे ज्यादा काफी दूरी है उधर। काफी दूर है। बच्चा जहाँ से गायब हुआ उसकी स्थिति क्या है? साहब हम कहा बताया, ये नींबी तेरे ख्याल रहा तो मतलब घर में ख्याल रहा कोई नहीं, उसकी स्थिति जो गायब किया है जिसको पकड़ा गया है वो उसके परिवार है? वैसे परिवार ना है। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। अच्छा छोटे बच्चे ना हुआ क्या? तीन भाई हैं तो दो भाई रहते हैं अंते, वो अकेला ही रहा। रामपाल जी जो ये बच्चा गायब हुआ है जिसको पकड़ाया गया है क्या वही लेके गया है? ये तो सर हम नहीं बता रहे, उस हम तो स्लेप डाल रहे थे, शाम को मालूम पड़ा कि पुतू मिश्रा का लड़का गायब हो गया, तो उस दिन हमने रात लग स्लेप डाली थी 8 बजे लग, फिर घर पे आए वो हम इधर थोड़ा सा आए, इधर कोई हमको पुलिस दिखी फिर वही हम घूम गए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए परीक्षित सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी अव्यवस्थाओं एवं मरीजों विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के साथ भी डॉक्टर एवं स्टाफ के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आज प्रातः विधायक जी के गांव राजापुर बैनी के मजरा जरिया की पहले प्रसव पीड़ा से परेशान महिला प्रातः अस्पताल आई, वहां वो फर्श पर पड़ी तड़पती रही और उसे डॉक्टर ने अभी समय नहीं है कहकर टरका दिया, तो महिला स्टाफ ने उसे भगा दिया कि यहां से लेकर जाओ। पीड़ित महिला की बहन व सास ने अस्पताल की डॉक्टर व स्टाफ नर्स पर बिना उपचार के अस्पताल से भगा दिया गया, जबकि प्रसव पीड़ा से करा रही महिला फर्श पर पड़ी थी। इस संदर्भ में जब अधीक्षक से जानकारी कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका फोन नहीं उठा। अगर कोई मरीज या उनके परिवारजन भ्रष्टाचार का विरोध करें तो पूरा स्टाफ उत्पीड़नात्मक कृत्य करने पर आमादा हो जाता है। वहीं जब इस बात की जानकारी उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला को दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तुरंत स्वयं देखती हूं, अगर ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी। SDM के द्वारा जब इस संदर्भ में पूछताछ
शुरू हुई तो अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस प्रकरण को विधायक के संज्ञान में लाने की बात कही है। सूत्रों की माने तो यहां महिला मरीजों के साथ महिला स्टाफ ही सबसे अधिक क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है तथा अवैध उगाही करता है, जिसके दुष्परिणाम क्षेत्र की गरीब जनता को झेलने पड़ रहे हैं और जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। बेड नहीं मिली आपको? नहीं, बेड खाली नहीं है, पता किया था? अच्छा, तो यहाँ क्यों लेटा रहे हो? कोई बीमारी अगर अंदर वहाँ लेटा रहो, डॉक्टर को बताओ, अगर कोई बीमारी तैयार हो गई जिम्मेदार कौन होगा? बाहर निकाल दिया? कितने निकाला? बाहर निकाल दिया कि बाहर जाइए? अच्छा, थोड़ी ना जैसे तुम लेटा ले बैठा ले बाहर बैठा ले बोला है, तुम यहाँ लेटा डाल दो या वहाँ डाल दो, थोड़ी काम है। बिल्कुल बाहर जाइए, ये तो आप गलत कह रहे हैं। कब आए थे आप? कब आए थे? सुबह आए जिस दस सुबह उन्होंने क्या बताया? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मुजीब अहमद सिद्दीकी के साथ रफीक खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जिला लखीमपुर खीरी विकास खंड मोहम्मदी ग्राम पंचायत हथेला वाजिदपुर में राकेश कोटेदार अपनी मनमानी व दबंगई से राशन वितरण करता है। कोटेदार राशन देने से पहले सब ग्रामवासियों से अंगूठा लगवा लेता है और पर्ची भी लाभार्थियों को नहीं देता। जब ग्रामवासी राशन लेने के लिए सरकारी गल्ले की दुकान पर गल्ला लेने जाते हैं तो कोटेदार कहता है कि हम गल्ला प्रति यूनिट पर 4.5 किलो राशन देंगे, लेना है तो लो वरना कहीं भी जाओ। और जब राशन अपने कांटे से तोला जाता है तो प्रति यूनिट 4 किलो या 3.5 किलो राशन प्राप्त होता है। वहीं मौके पर कर हमारे संवाददाता ने जांच की तो पाया कि कोटेदार अपनी मनमानी धनवानी से गल्ला वितरण करता है। कोटेदार के सामने ही राशन दूसरे कांटे से तोला गया तो राशन पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ और कोटेदार की दुकान पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने कहा कि आपकी बात एसडीएम मोहम्मदी से करवा दें, हम गल्ला प्रति यूनिट 4 किलो या 4.5 किलो ही वितरण करेंगे। लग रहा है कि कोटेदार की पकड़ एसडीएम मोहम्मदी से लेकर जिला पूर्ति अधिकारी लखीमपुर खीरी तक है और ग्रामवासियों का कहना है कि राकेश कोटेदार हम लोगों को काफी परेशान करता है कि आज मशीन खराब है या कल आना, ऐसा कहकर कम से कम ग्रामवासियों को 4-5 दिन तक दौड़ाता रहता है। राशन पूरा मांगने पर झोला बोरी फेंक देता है और ग्रामवासियों ने जांच की मांग की है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम, टीवी इंडिया न्यूज चैनल से आप देख रहे हैं जनता की आवाज। यहां मैं हथेलाबाजी ग्राम पंचायत में खड़ा हूं, विकास क्षेत्र मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर राकेश कोटेदार अपनी मनमानी से गल्ला वितरण कर रहा है। आइए जानते हैं कितना गल्ला किसको कम दे रहा है। भैया बताइए आप नाम क्या है आपका? नाम बताइए। अरे आप नाम बताइए, नाम क्या? मेरा नाम सुदेश कुमार है। कितना गल्ला मिला आपको? 25 किलो मिलता है, 22.5 किलो मिला है। 22.5 किलो दे रहे हैं? 22.5 किलो में बहुत कम गल्ला है। पैसे फुल ले रहे हैं? पैसे फुल ले रहे हैं, 60 रुपए। आपको आइए इधर, आपका नाम क्या है? मेरा छोटी नाम है। आपको गल्ला कितना दिया? 25 किलो में 2.5 किलो। कई यूनिट है आपके? 5 यूनिट है। ठीक है, और बताइए आप, आइए इधर। और गल्ला कम देता है आपका? अफर फिलहाल आपको, आपका यूनिट कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। गल्ला कितना दे रहे हैं आपको? गल्ला दे रहे हैं 4.5 किलो यूनिट पर देते हैं। 4.5 किलो यूनिट दे रहे हैं। पैसा कितना ले रहे हैं? पैसा पूरे ले रहे हैं, पूरे ले रहे हैं। 35 किलो वाले पर 32 किलो दे, 35 किलो वाला कार्ड है आपका? हाँ। उसका कितना दे रहे हैं? उसका दे रहे हैं 32 किलो। ठीक है, आप आइए इधर। बताओ बताओ नाम बताओ, गेहूँ 1 किलो 18 किलो गेहूँ बे और 9 किलो चावल, 8 किलो चावल और 2 लीटर तेल मिले, 1 लीटर का कोटेदार का मिलती और तई माँ 2 लीटर किताब पर चढ़ा और 1 लीटर तेल दो और पूरा पैसा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम की रिपोर्ट, मोहम्मदी खीरी। जनपद संभल में प्रदेश मुखिया के निर्देशन में जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने ये जागरूक अभियान 1 माह तक चलाया है। अभियान में स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। बढ़ चढ़ कर व सराहनीय काम करने वाले बच्चों को एसपी ने पुरस्कृत किया है। बच्चों ने यातायात जागरूक प्रतियोगिता में भाग भी लिया है। यमुना प्रसाद एसपी ने जानकारी दी है कि चिन्हित स्कूल के बच्चों को इनाम दिया गया है। वही एसपी ने यातायात के नियमों का पालन करने की जनता से अपील भी की है।
जो 1 जुलाई से लेकर के आज 8 अगस्त तक का कार्यक्रम था, और इसके दौरान ये कार्यक्रम जनपद में कई रूपों में आयोजित किया गया था, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, अवेयरनेस प्रोग्राम और भी स्कूलों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से चलाया गया था। उनमें जो पुरस्कृत बच्चे हुए हैं जिन्होंने सराहनीय कार्य किया, ट्रैफिक के लिए जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो सराहनीय कार्य किया, उन्हीं बच्चों को चिन्हित करके सभी कॉलेज स्कूलों से आज पुरस्कृत किया जा रहा है, और उन्हें ये और भी उनमें महती जिम्मेदारी दी जा रही है, भविष्य में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ट्रैफिक जागरूकता के लिए गार्जियन को समझाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। ये मामला जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली के धनोरी गांव का है, जहां पर एक छात्र ने 3 दबंगों से आहत होकर खुदकुशी कर ली। लड़की के पिता ने बताया कि जब मैं खेतों में काम करने के लिए गया था, तभी गांव के ही प्रवीण राजपूत, कृष्ण कुमार राजपूत एवं पुष्पेंद्र ने घर में आकर छात्रा के साथ गाली गलौज की, और छात्रा के परिवार वालों ने बताया है कि आए दिन ये 3 लोग हमें और हमारी लड़की को गाली गलौज करते रहते हैं, जिससे छात्रा ने क्षुब्ध होकर फांसी लगा ली। जैसे ही छात्रा के पिता को इसकी जानकारी ग्रामवासियों द्वारा दी गई, तो आनन फानन में घर आकर देखा तो छात्रा फांसी पर लटकी हुई थी। आखिर कब तक दबंगों की दबंगाई ऐसे ही चलती रहेगी? मासूम छात्राओं की जान ऐसे ही जाती रहेगी? अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। शिवराम सिंह, सन ऑफ श्री परशुराम, ग्राम धनोरी, कोट धनोरी, थाना राठ, जिला हमीरपुर। क्या घटना हुई है? सर, मैं खेतों में काम कर रहा था, ये दारू पी के 3 लड़की आए, फिर भी सन ऑफ सुरेश कुमार, कृष्ण कुमार, सन ऑफ दयाशंकर और पुष्पेंद्र, सन ऑफ जगदीश, 3 दारू पी के आए, बच्ची को गाली वाली गलौज करने लगी, तो इनने फोन से एक बच्ची ने बुलाया कि पापा यहाँ ये लोग गाली दे रहे, तो मैं भी वहाँ घटना के पहुँचा घर, तो मेरे सामने भी मुझे जान से मारने जाने की धमकी देते हो, और इसके बाद मैंने कहा भैया तो जाओ, मुझे लड़ाई नहीं लड़ना है तुमसे, तो इनको मैंने भगा दिया और मैंने रुपये निकाल के रिपोर्ट करने के लिए बस रूट तक आ पाओ हुए, और ये दोबारा ये लड़का पहुँच गए, तो बच्ची के फिर जाए जैसे शब्द कह रहे उल्टी सूटे, तो बस उसने फांसी लगा ली। तो आपका कहने का मतलब है कि इन्हीं 3 लड़कों के कारण ही आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है? इन्हीं 3 लड़कों के कारण ही मेरी बच्ची ने आत्महत्या की। आपने पुलिस में तहरीर दी? जी, FIR दर्ज हुई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। ये मामला हमीरपुर जनपद के मौदहा कस्बे का है, जहां आज सुबह जैसे ही दिन चढ़ा और जनजीवन सामान्य हुआ, मंडी गेट के निकट गोलियों की आवाज सुनकर लोग डर गए। आपको बताते चले कि घटना से कुछ ही दूरी पर SDM कोर्ट भी है, फिर भी हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने कानून की एक भी परवाह नहीं की। ये मामला कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गाँव निवासी राजू प्रजापति जब अपनी मोटरसाइकिल बनवाने के लिए सर्विस सेंटर में गए, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोग आ गए और उन पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ वार करने लगे। इतना ही नहीं, उसके बाद हमलावरों ने गोली मार कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में कोतवाली प्रभारी विक्रमजीत सिंह ने घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जबकि घटना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जबकि आरोपी फरार हो गया है। कोतवाली प्रभारी विक्रमजीत सिंह ने चारों ओर नाकेबंदी कर मुख्य आरोपी अमन निवासी ग्राम पिपरौंदा को गिरफ्तार कर लिया है। सर, फायरिंग हुई, क्या मामला? ये आप पीछे देख रहे हैं, यही घटना स्थल है। यहाँ पे एक लड़का आया था पिपरौंदा गांव का, वो अपनी सर्विसिंग करा रहा था, फिर दूसरे पिपरौंदा गांव के ही दूसरे ग्रुप में, उसमें 2-3 आदमी, 4 या 5 की संख्या बताई जा रही है, वो लोग आए, उसके साथ मारपीट किए, इसी में राजू प्रजापति नाम के एक लड़के को गोली लग गई है कंधे में, उसको अस्पताल भेजा गया है, उसकी स्थिति ठीक है। बाकी जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है या कैसे गोली चली है, कहाँ चली है, कैसे चली है, पूरा डिटेल इसकी छानबीन की जा रही है। संबंधित क्षेत्रों में पार्टियां रवाना हो गई हैं, डिवीजना चल रही है, जो भी आवश्यक तत्व होगा आपको पूरा। क्या सर, वो अभी पकड़ा गया, अभी नहीं पकड़ा गया? हमारी टीमें लगी हैं। जैसे TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड।